Assalamualaikum everyone. I hope everybody is doing great. Welcome back to my channel. This is Tessie Nazar, and I'm again back with another very sensitive topic, issue, stereotype. हमेशा ही सवाल पूछा जाता है क्या पाकिस्तान आर्मी में या SSB में या कहीं पे भी फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए सिफारिश चलती है. तो इसका एक बहुत सिंपल जवाब है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा इदारा है जिसके लिए हम कहते हैं ना, आंखें बंद करके कह सकते हैं कि इसमें कोई भी सिफारिश या कोई भी पर्ची या कोई भी इस तरह की चीज़ आपको लगता है कि लाइक कोई बैकग्राउंड की वजह से, किसी की वजह से कुछ नहीं होता. इवन अगर आप आर्मी वाले के बेटे हैं या बेटी हैं, आपको भी कोई उस पर इम्पोर्टेंस या इन टर्म्स ऑफ लाइक कोई आपको किसी कहते हैं ना पॉकेट हासिल नहीं है, क्योंकि आपको लाइक सेम ट्रीटमेंट वही मिलेगा जो बाकी मिलेगा. इवन मैं आप पर अपनी पर्सनल एग्जांपल शेयर करूँ, अगर मैं कहूँ मेरा फोर्सेस से ताल्लुक बैकग्राउंड है, लेकिन स्टिल अगर मैं बीइंग अ रिकमेंडेड कैंडिडेट लास्ट कॉल पे, जब इंटरव्यू कॉल में जो मेरे, क्योंकि मैंने आर्मी एजुकेशन कोर के अप्लाई किया था, जो एक लड़की सेलेक्ट हुई थी मेरे साथ, शी वॉज फ्रॉम अ नॉन आर्मी बैकग्राउंड. उसका कोई आर्मी से ताल्लुक नहीं था, उसका कोई खानदान का ताल्लुक नहीं था. सो अगेन आउट ऑफ दोज लाइक SSB रिकमेंडेड होने के बावजूद भी आप एंड में हो सकता है आपकी सीट, क्योंकि आर्मी कोर की हमेशा एक सीट होती है डिपेंडिंग ऑन अगैन. तो इट्स अगेन लक. इसमें हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आर्मी में कोई सिफारिश चलती है. मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इससे शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझे अभी अभी एक मैसेज आया एक लड़की का, आई गेस उसको शी वॉज लाइक कि मैम मेरे नाम नहीं आया, नो रिकॉर्ड फाउंड इन दैट ISSB कॉल लेटर. डोंट वरी डियर, इंशाल्लाह ताला अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो 100 और दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं. डोंट लूज होप, कीप योर मोरल अप. यू कैन ट्राई अगैन, अगर पहली दफ़ा था या दूसरी दफ़ा भी था तो यू कैन अगैन ट्राई. सेकेंडली, दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन, मैं इस पर आई कैन बेट ऑन दैट, ये वाहिद इदारा है जिसमें अगर आपकी सिलेक्शन इज ओनली बेस्ड ऑन योर ओन, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपकी बाकी सब चीज़ें कितनी मैटर करती हैं. इसमें मैंने अपनी आंखों, मतलब मैं कहूँ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद देखा है कि एक सिपाही जिसको हम कहते हैं एक सोल्जर का बेटा, एक सोल्जर भी जनरल के रैंक तक गया है. सो अगेन देर इज़ नथिंग इन दैट. इफ़ यू आर वेल क्वालिफाइड, यू आर वेल वर्स, और अगर आप में सलाहियत है तो अगेन स्काई इज द लिमिट, कोई आपको नहीं रोक सकता आगे जाने से. सो इंशाल्लाह ताला दोज हु आर लाइक नॉट गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स, अगेन डोंट लूज होप, डोंट लूज फेथ. सबसे पहले अल्लाह ताला पे एतबार करें, हो सकता है कोई अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपके लिए कोई अच्छी चीज़ लिखी होगी. एंड बिल्कुल मत सोचें कि मैम सिफारिश चल जाएगी, मैं सिफारिश करवा दूँ किसी को, या दूँ कोई अंकल से ढूंढ दूँ, किसी और को कहूँ, नहीं होता भाई. एक दफ़ा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, दोबारा ट्राई कर लें अगर कर सकते हैं. इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि यार मैं उसका बेटा नहीं हूँ या मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ. अच्छा, एक और चीज़ मैंने, एक और मुझे, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, बट एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं कराची के वालों को नहीं रखते, ऐसा कुछ नहीं है. कराची हो, पाकिस्तान हो, पंजाब हो, कहीं से भी अगर आप लाइक कर रही हैं, सो अगेन दे आर गोइंग टू गिव यू दैट पर्टिकुलर, जिस तरह का मैं कहूँ बाकी को एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जहाँ से अप्लाई करें, तो आपको भी वही इम्पोर्टेंस देंगे. By the way, I also applied from Karachi जब मैंने SSB के लिए अप्लाई किया था, और मेरा मलीर ही पड़ा था. SSB मलीर में मैंने जाके 5 days किया था सारा कुछ, और I got recommended as well. So again, these are all myths. Don't believe on that, जो लोग आपस में कह रहे होते हैं और कोई सिफारिश नहीं चलती. Best of luck you do who have got the call letter for upcoming ISSB at Kohat. The rest who are not like jinka agar main kaun batch mein keh rahe hain, your status found nahi ho raha, no record hai, there whatsoever a reason are. डोंट लूज होप, इंशाल्लाह ताला कोई और अच्छी चीज़, कोई और अच्छी खबर आपको मिलेगी. ऑलराइट, टेक केयर, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हाफिज़.